न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। रिजर्व पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आईजी जय नारायण सिंह और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जनपद वासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। 6 माह पूर्व गायब हुई किशोरी को पहली बार पुलिस ने आरोपी युवक के साथ किया गिरफ्तार। किशोरी की मां ने गांव के एक युवक के खिलाफ अपहरित करने की दी थी तहरीर। गोरखपुर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। टाउन हॉल क्लब के पंडाल में स्वचालित झांकियों से लेकर जलकल भवन में मनोहर बाल स्वरूप में नजर आए भगवान श्री कृष्ण। फर्जी लाइसेंस पर असलहा रखने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद हुआ एक राइफल, एक पिस्टल, फर्जी शस्त्र लाइसेंस व फॉर्चूनर गाड़ी। एसपी सिटी ने कहा अभी कई फर्जी असलहा लाइसेंस धारी हैं रडार पर। जिला आशा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। बेहतर कार्य करने पर पुरस्कृत की गई 57 आशा सिंगनिया और आशा कार्यकर्त्री। डीएम ने कहा इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण रखने में आशा कार्यकर्त्री की है महत्वपूर्ण भूमिका। ऑपरेशन वज्र के तहत पुलिस ने 4 दिनों से गिरफ्तार किए गए 75 वांछित अपराधी। एसपी सिटी ने कहा गिरफ्तार अभियुक्त लूट हत्या जैसी संगीन धाराओं में थे शामिल, हुई गिरफ्तारी। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय पर आयोजित हुई पेंशन अदालत। पेंशनरों से संबंधित वादों का किया गया निस्तारण। अचीवर्स मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के 2 जालसाज कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने कहा सैकड़ों लोगों से फर्जी कंपनी के नाम पर कर चुके हैं करोड़ों रुपए की ठगी। बासगांव थाने के कोड़ीराम पुलिस चौकी के नव निर्मित भवन का एसएसपी ने किया लोकार्पण, किया पौधरोपण। नगर निगम का कारनामा, प्रस्तावित 4 लेन रोड पर पौधरोपण के लिए लगाई गई ट्री गार्ड। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है 4 लेन का काम, तब न रहेगा पौधा और न रहेगा ट्री गार्ड। और एसएसपी ने बेलीपार थाने का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। थाने पर आए फरियादियों से उचित व्यवहार रखने के दिए निर्देश।